को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। शनिवार को भव्य सोहराई जत्रा का आयोजन सरना समिति उरांव बस्ती हटिया के द्वारा चांदनी चौक हटिया में किया गया। जत्रा स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। विद्युत साज सज्जा भी की गई थी। चारों तरफ उत्साह और उमंग का माहौल था। बच्चों से लेकर बड़ों तक में सोहराई जत्रा में उत्सुकता देखते ही बन रही थी। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी आकर्षक वेशभूषा में सज संवर कर जत्रा में शामिल हुई। अंदर नगाड़े के आप बड़ों सरना समिति उरांव बस्ती हटिया के युवा सदस्यों ने तमाम व्यवस्थाओं को संभाल रखा था। युवक और युवतियां पारंपरिक परिधान पहन बहुत आकर्षक लग रहे थे। वहीं अपने आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पूर्वजों की परंपरा संस्कृति जो विरासत में मिली है उसे आधुनिकता के दौर में भी थोड़े बदलाव के साथ सहेज कर रखा है। आदिवासी समाज सोहराई जत्रा के बहाने एक जगह मिलते हैं, अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। सबसे पहले आपको जोहार। मेरा नाम जाओ कच्छप है और मैं यहाँ के इस बस्ती का अध्यक्ष हूँ। और ये हम लोग दिवाली के 5 दिन के बाद हम लोग ये सोहराई जत्रा मनाते हैं। और ये गौ और हम लोग की जो जितने भी जानवर जो हम लोग होते हैं गांव में उसको हम लोग दिवाली के दूसरे दिन हम लोग उसको अच्छे से नहलाते हैं, धुलाते हैं और शाम में उसको हम लोग दौड़ाते हैं। और उसके बाद हम लोग डुम्बू रहता है हम लोग के घर में, या मेहमान लोग आते हैं, गेस्ट लोग आते हैं, उन लोगों को खाने का व्यवस्था करते हैं। बस ये जो उरांव समिति, तो ये क्या पूरा उरांव समाज के लोगों के द्वारा ही आयोजन किया जाता है? हाँ, ये उरांव समाज के लोग के भी होते हैं और बस्ती के अदर कास्ट के भी होते हैं, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कहाँ कहाँ से, मतलब दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पर आते हैं? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं, लटमा से आते हैं, खरसिदाग से आते हैं, और आपका डिबडी से आते हैं, लटमा से, और या आपका टोनको बड़का टोली, यहाँ से कम हम लोग 8 लोग आते हैं टीम के साथ। पारंपरिक नृत्य गीत से माहौल को खुशनुमा बनाते हैं, प्रकृति की देवी देवताओं की आराधना करते हैं, अपने पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं। आदिवासी समाज जो प्रकृति के पुजारी हैं, प्रकृति के प्रहरी हैं, प्रकृति के संरक्षक हैं, प्रकृति के नियम के साथ ही चलते आ रहे हैं।
कुदरत के सबसे करीब रहते हैं आदिवासी समाज। इनकी जीवन शैली अद्भुत है। आज के आधुनिक युग में भी उस जीवन शैली की झलक देख पाना, समझ पाना सौभाग्य की बात है। हरहाल सोहराई छत्रा में मुख्य अतिथि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सोहराई छत्रा आदिवासी समाज की विरासत है, इसे बचाए रखना युवा पीढ़ी के कंधों पर है। आदिवासी अपनी जमीन को भी बचाएं। झारखंड के हर गांव कस्बा में अखड़ा का निर्माण हो, इसको लेकर मंत्री सलाह मशविरा भी किया है। रामेश्वर उरांव ने 5,000 का सहयोग राशि नृत्य मंडली के लिए दिया, साथ ही 2 मांदर देने की घोषणा भी की। इस मौके पर वार्ड सदस्य मुखिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके सोच क्या है? हम ये सोच पा रहे हैं कि हमारी संस्कृति बनी रहे, आगे बढ़े, माता का मान खेल रहे हैं। एक मादर का दाम है 5,000, रगड़ा का दाम है 7,000, का दाम भी 4,500। तो हम गरीब आदिवासियों के बस के पास नहीं रह गए हैं कि हम कर रहे हैं। हालांकि सच्चे में उनको करना चाहिए, हमारा मतलब दे देना चाहिए, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, नवर्दा का महिला विधायक है, करना के पहले 300 मामला बांटे, 70 नगड़ा बांटे, 70 नगड़ा और 300 मामला। तो कल चूंकि हम विधायक हैं जो फैसला लेते हैं छोटा बड़ा अखड़ा में बैठ कर देते हैं क्या, मगर वो है कि नहीं? हाँ, ये जो है कि है ऐसा ही होता है। तो अखड़ा भी होना चाहिए, अखड़ा भी होना चाहिए, मांदर भी होना चाहिए, नगड़ा भी होना चाहिए, ढोल भी होना चाहिए, और यात्रा टाण भी होना चाहिए। आप बता रहे थे बाबा बाबू
कि 1908 में किस सर्वे में ये इसको यात्रा करना लिखा हुआ ये बता रहा है। बाद में इसको ले लिया आदिवासी कमीशन का भारत सरकार में तो राउरकेला को बनाया आदिवासी क्षेत्र वहां बनाया के देखिए 32 गांव वहां भी गया था बोला लो कि 32 गांव हमारा आंकड़ा था हमारा जतना करना था तो हमारे सांस्कृतिक केंद्र पर कैसे सरकार ले सकती है किसी दूसरे के सांस्कृतिक केंद्र को लेने के औकात तो सरकार में कोई सरकार नहीं रहती है हमारा कैसे ले रही है के मांग करते हैं यहाँ विधानसभा से पास लाके भेजे हुए भारत सरकार में अब कब देगी नहीं कर सकते लेकिन देना चाहिए हम यही है हम यही के रहने वाले हैं यही का हमारा धर्म अपना हम अलग खड़े हो रहे हैं अलग राष्ट्र मंत्री नहीं कुछ अलग कुछ होने का हम अपने कहते हैं कि जो है हमारा उसी को पहचान दे उसी का नाम दे ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं कह रहे हैं सरकार के खिलाफ नहीं करते कुछ नहीं करते हैं यही कहना चाहते थे आज के दिन में ज्यादा भाषण वगैरह नहीं कि संस्कृति को बचाना है जमीन को बचाना है। देर रात तक कार्यक्रम चलता रहा। सरना समिति उरांव बस्ती हटिया के द्वारा सोहराई यात्रा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया जिसमें युवाओं और युवतियों की भागीदारी महत्वपूर्ण रही। सबसे पहले सबों को जोहार जय सरना। मेरा नाम है सूरज लकड़ा। मैं इस गांव का माधव परिवार से बिलोंग करता हूं। ये यात्रा हम लोग पूर्वज से ही पारंपरिक तौर से मनते आया है। हम लोग इसको बनाते आए हर साल के बाद इस साल भी अगन के महीने में हर उल्लास खुशी के मौके पे हम लोग आयोजन कराते हैं और जितने भी आस पड़ोस के जितने भी गांव है घोड़ा है परिवार है सबको बुलाया जाता है। पारंपरिक तौर से आपको खान पान जो हम लोग के जो रीति रिवाज जैसे मुंडू पीठा सब होता है वो सब आयोजन किया जाता है। ये जितनी टीम आती है जो गाते हैं बजाते हैं तो क्या इन टीमों को आप लोग सम्मानित भी करते हैं? जी हाँ सब जितने भी हमारे घोड़ा लोग आते हैं जितने भी गांव से आते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग के साथ सम्मिलित सांस्कृतिक तौर से कार्यक्रम करते हैं हम लोग साथ भागीदारी करते हैं उन लोग को सम्मानित किया जाता है उन लोग का अतिथि देवो भव सत्कार सब किया जाता है। युवाओं की कैसी टीम है मतलब युवाओं का क्या भागीदारी? युवाओं का भागीदारी यही है कि इस गांव में जितने भी यात्रा का आयोजन करना सब युवा यहाँ के जितने भी हैं सब आगे आके अपना योगदान देते हैं यहाँ पे कार्यक्रम को आयोजन कराने में बहुत बड़ा योगदान महत्वपूर्ण करते हैं। तो सब हम लोग ये एक समिति बना हुआ है इस समिति से हम लोग जितने युवा जुड़े हुए हैं सब अपने तरफ से 100% देते हुए इस प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। ये जो प्रकृति पूजक है प्रकृति के प्रहरी है जी प्रकृति के सबसे बड़े संरक्षक आदिवासी जी तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको आज युवा जो है निभा रहे हैं तो संस्कृति उस परंपरा को बचा रहे हैं? मैं अपने तरफ से यही सभी उरांव भाई गुरु समाज जितने भी हमारे परिवार समाज से आते हैं ट्राइबल से आते हैं मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने कल्चर अपने संस्कृति को बनाए रखें अपने जितने भी कल्चर है उसको निभाए पारंपरिक तरह से ये प्रोग्राम करें जतरा हो गया आपका सरहुल कर्मा सब जितना भी हम लोग के जो ट्राइबल फेस्टिवल है उनको मनाएं धूमधाम से मनाएं अतिथि लोग को सत्कार करें और बढ़िया हंसी खुशी जीत अच्छा से रहें और आगे इस कल्चर को बढ़ाते हुए और भी आने वाले समय में बहुत भव्य तरीके से बनाएं।
समर्थन के लिए धन्यवाद।